ई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो फ्रेंड्स एस बी आई क्लर्क का लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है ऑलिव बोड पर जो कि फिफ्थ ऑफ दिसंबर तक अवेलेबल है तो अगर आपने अभी तक इसे नहीं दिया है तो ज़रूर दीजिएगा और अपने स्कोर्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा देखिए कुछ भी हो जाए ना लाइव मॉक टेस्ट आप लोग जरूर दिया करिए क्योंकि जो लाइव मॉक टेस्ट है ना वो रियल कॉम्पिटिशन का आपको बताता है कि आप कहाँ पर रियल कॉम्पिटिशन पर स्टैंड कर रहे हो क्योंकि ज़्यादातर लाइव मॉक टेस्ट वही लोग देते हैं जो कि एक्चुअली में इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप ना एक रियल कॉम्पिटिशन के बीच में कहाँ स्टैंड करते हो उसका आपको आइडिया मिलता है तो लाइव मॉक टेस्ट तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए तो मैंने इसे दिया है एंड मैं अपने स्कोर्स आप लोग से शेयर करूँगी तो जो मेरे अटैम्प्ट थे वो आप देख सकते हैं कि मैंने 92 क्वेश्चंस क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और इसमें से मेरे 82 क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं टेन इनकरेक्ट हुए हैं सब्जेक्ट वाइज बात करें तो जो मैंने रीजनिंग में थर्टी क्वेश्चन अटेंड किए थे ट्वेंटी सिक्स करेक्ट हुए हैं फोर इनकरेक्ट हुए हैं और कहाँ पे क्या इनकरेक्ट हुआ है तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन था ना लास्ट में था वो तीन क्वेश्चन वहां पर मुझे थोड़ा सा डाउट था उसको बनाते वक्त मेरे से थोड़ी सी फ्रेमिंग भी गलत हो गई थी मैं आपको कॉपी में दिखाती हूँ ये देख सकते हैं थोड़ी सी ना मैं जब इसको फ्रेम कर रही थी ना तो थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी तो उसी हिसाब से मैंने टिक किया तो हो सकता है कि शायद इसमें मेरी मिस्टेक हुई हो या तो हो सकता है कि शायद मैंने ब्लड रिलेशन में भी गड़बड़ की हो ये मेरा फ्रेम हुआ था ब्लड रिलेशन का हो सकता है कि ये ना हो और एक पजल में भी मुझे डाउट था तो कहाँ पर ये फोर मिस्टेक हुई है ज़रा भी मुझे आइडिया नहीं है वो तो मुझे उसी के टाइम पर पता चलेगा जब कल रिज़ल्ट आएगा बाकी देखते हैं कि क्या है और अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तो जी क्वाइंट्स uh, की बात करें तो मैंने थर्टी टू अटैम्प किए थे ट्वेंटी नाइन मेरे करेक्ट गए हैं थ्री इनकरेक्ट गए हैं कहाँ पर इनकरेक्ट गए हैं मैं नहीं बोल सकती क्योंकि जब मैं क्वाइंट्स करने बैठती हूँ ना तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैं बिल्कुल खो जाती हूँ कैलकुलेशन में और मुझे नहीं याद रहता है कि मैं कौन सा क्वेश्चन अटैम्प करूँ कैसे करूँ बस उस मोमेंट में मुझे याद रहता है कि हाँ मैं ये क्वेश्चन को अटैम्प करूँ बट उसके बाद मुझे नहीं याद रहता है बहुत कम याद रहता है लेकिन अभी मैं बोलूँ तो क्वेश्चन में मतलब क्या क्या था ये मैं बता सकती हूँ लेकिन क्या किस में मुझे डाउट था किस में नहीं था ये चीज़ में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मुझे मुझे क्वाइंट्स याद ही नहीं रहती बाकी मुझे ठीक है याद रह जाता है लेकिन क्वाइंट्स नहीं याद याद रहते मुझे कैलकुलेशन के कारण तो क्वाइंट्स में एक डी थी वेरिएबल बेस्ड डी थी लेकिन वो बहुत ईजी डी थी वो सिर्फ डराने वाली थी वेरिएबल है एक्स है लेकिन वो बहुत ईजी थी वो ना मतलब कि दो से तीन मिनट में पूरे क्वेश्चन होने वाली ऐसी वाली डी थी उसके बाद नंबर सीरीज़ भी थी और क्वालिटिकेशन भी थी सिम्प्लीफिकेशन भी थे और अरेथमेटिक के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा डुबेबल थे तो हाँ कर सकते थे और जहाँ पर भी गलती हुई है वो पता चली जाएगा हमें उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो पूरे थर्टी क्वेश्चन मैंने किए हैं ट्वेंटी सेवन करेक्ट गए हैं थ्री इन करेक्ट गए हैं इंग्लिश जो थी वो काफ़ी इजी लैंग्वेज थी इसीलिए इंग्लिश जो थी वो मेरा काफ़ी टाइम के पहले ही हो गया था कितने टाइम पहले हो गया था ये देख सकते हैं आप सिक्सटी मिनट थर्टी वन सेकंड में ही मेरी इंग्लिश पूरी हो गई थी उसके बाद मैंने फिर से चेक भी किया था लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये तीन कहाँ पर इनकरेट गए हैं जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो ओनली वन ओनली टू वाले ऑप्शन वाले क्वेश्चन ना वहीं पर इनकरेक्ट हो सकता है क्योंकि उससे करते वक्त मुझे थोड़ा सा डाउट भी हो रहा था और तो मेरे इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं टिक है जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा हो बाकी देखते हैं कि कहाँ पर क्या गलत हो गया था तो कल जब इसका रिजल्ट आएगा तो मैं बहुत अच्छे से एनालिसिस करूँगी इसका और आप लोग भी जो भी जैसा भी आपका टेस्ट जाता है ना एनालिसिस ज़रूर किया करिए नेक्स्ट डे या फिर उसी डे अगर कोई लाइव मॉक दे रहे तो नेक्स्ट डे किया करिए और अगर लाइव नहीं दे रहे तो उसी दिन ना बहुत अच्छे से एनालाइज़ करिया करिए कि आपने क्या दिया था क्या सोच कर दिया था और एक्चुअली मैं आपके साथ क्या हुआ है इससे ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको अपने रियल वाले एग्ज़ाम में ठीक है सो ये हो गई मौख की बात और एक बात और है कि जो मैं आप लोगों से टू डू लिस्ट शेयर करती हूँ एसबीआई बी क्लर्क की जिसका आज डे फोर है तो वो टू डू लिस्ट मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूँगी एंड टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूँगी तो अगर आपको आप वो टू डू लिस्ट फॉलो करते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको सारी टू डू लिस्ट और सब कुछ ऑन टाइम मिल जाए सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो आप लोग जरूर मौक दे अपने स्कोर शेयर करिएगा मेरे साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग Stay tuned.